Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 12. Miracles of Nature, yani ki kudrat ke chamatkar. Right kids, so let's learn, read and learn about some miracles of nature. Nature ke kuch miracles ke baare mein padhiye aur jaaniye. Right kids, number one here is aloe vera. Right kids, aloe vera का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा. Aloe vera हमारे फेस वॉश, फेस क्रीम्स, हेयर ऑयल्स और हमारे जो हेयर शैम्पूज हैं उनके लिए भी, इसके अलावा aloe vera जूस जो है वो भी हमारे बहुत काम आते हैं. Right kids, aloe vera हमारे लिए बहुत ही नरिशिंग सा प्लांट है जो कि हम कॉमनली अपने घर में भी उगाते हैं. Right kids, so let's read. Aloe vera is used to help people health. ये लोगों की हेल्थ के लिए काम आता है. इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट. इसका इफेक्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव होता है हमारी स्किन पर. हमारी स्किन को ये स्मूथ बनाता है, उसको टेक्सचर फ्री बनाता है. राइट किड्स, एंड द जूस ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिंस फॉर ट्रीटिंग बर्न्स. और इसका जो जूस है वो मेडिसिंस में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है ताकि उससे हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को, बर्न्स को ट्रीट किया जा सके. राइट किड्स, इसके अलावा लोग जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो एलोवेरा का जूस पीना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. राइट, एंड अदर देन दिस किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा के बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके अलग अलग फायदे भी हमें बहुत सारे होते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सैंडलवुड. सैंडलवुड यानी कि चंदन. राइट किड्स, नाउ व्हाट इज चंदन? चंदन कुछ ऐसा लगता है. चंदन की जो लकड़ी होती है किड्स वो काफी सॉफ्ट टाइप होती है और चंदन का जो पेड़ होता है वो उसके आसपास हमेशा सांप लिपटे हुए रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है. जो सैंडलवुड होता है काफी ठंडे स्वभाव का होता है जिससे हमारी स्किन को भी बहुत कूलिंग फील होती है और उससे हमारी स्किन बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं. राइट किड्स, आगे पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंदन. इसको चंदन भी कहा जाता है और इससे डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स और ट्रीट पेशेंट्स एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को ठीक किया जाता है और इससे जो बर्निंग सेंसेशंस है उसको भी कंट्रोल किया जाता है. राइट किड्स, क्योंकि इसका जो एक नेचुरल इफेक्ट है वो बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए गर्मियों में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज होली बेसिल. राइट किड्स, होली बेसिल विच मीन्स ये है तुलसी. राइट किड्स, तुलसी के पौधे को होली बेसिल कहा जाता है. होली इसलिए, होली मीन्स पवित्र, जिसकी हम पूजा करते हैं. As you guys know that हमारे घर में तुलसी का अगर पौधा हो तो हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स उसकी पूजा भी करती हैं. इसके अलावा तुलसी की चाय भी बनाई जाती है जो कि मेडिसिनल प्लांट की तरह काम करता है. इससे हमारे कफ और कोल्ड में भी हमें रिलीफ मिलता है. आगे पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज तुलसी. इसको तुलसी भी कहा जाता है एंड इट इज अ मेडिसिनल हर्ब. ये एक मेडिसिनल हर्ब है. Right kids, it is used for treating cold, asthma as well as skin and respiratory problems. So, सांस लेने से related कोई भी problem हो या फिर हमें cold या फिर cough हो, सर्दी लग जाए तो तुलसी उसके अंदर बहुत ही अच्छा medicinal herb का काम करती है. Next is, ये है आमला यानी कि Indian gooseberry. Right kids, now let's read about it. Indian gooseberry, also known as amla. Right kids, आमला हमारी जो विजन है उसके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा होता है. इससे हमारी विजन स्ट्रांग होती है. आमला का मुरब्बा, आमला का अचार भी बनाया जाता है और आमला से और भी होम रेमेडीज बनाई जाती है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होती है, हेयर फॉल नहीं होता. राइट किड्स, आगे पढ़ते हैं. इन इंडिया इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है एंड इट इज यूज टू ट्रीट जॉन्डिस एंड डायरिया. इससे जॉन्डिस और डायरिया को भी ट्रीट किया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ कफ एंड कोल्ड. इससे कफ और कोल्ड में भी रिलीफ मिलता है. आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर किड्स. सो किड्स, नेक्स्ट इज वाइल्ड टर्मरिक यानी कि हल्दी. हल्दी नेचुरली कोई पाउडर नहीं होता बल्कि हल्दी ऐसी होती है. इट लुक्स लाइक समवॉट लाइक अदरक, यू कैन से. ये जिंजर की तरह दिखने में होती है जो हल्दी होती है. उसको बाद में सुखाकर
कूटा जाता है, पीसा जाता है और फिर उस पाउडर को हम अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हल्दी एक एंटीसेप्टिक भी है, तो उससे हम अपनी चोट वगैरह पर भी लगाते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहता। राइट किड्स, आगे पढ़ते हैं। वाइल्ड टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है इज अ मेडिसिनल हर्ब, ये भी एक मेडिसिनल हर्ब है किड्स, विद स्पेशल एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। लेट मी आंसर में है, कुछ मेडिसिनल हर्ब हेल्प्स अस इन ट्रीटिंग डाइजेस्टिव एंड लीवर प्रॉब्लम्स, वर्म्स एंड स्किन डिजीजेस। तो कौन सा ऐसा मेडिसिनल हर्ब है किड्स, जिससे हम अपनी डाइजेस्टिव रिलेटेड, लीवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड, वर्म्स यानी कि चोट और स्किन डिजीजेस को ट्रीट कर पाते हैं? सर्च कीजिए और अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए। लेट्स सी इन्फोबिट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इन्फोबिट्स, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च इज अ टाइप ऑफ स्पाइस नेटिव टू मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया में ये जो स्पाइस है ये नेटिव है, मतलब वहां पे ये नेचुरली उगाई जाती है। इट इज नोन टू बूस्ट द व्हाइट ब्लड सेल्स, इससे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे वो बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज होते हैं। दैट हेल्प आवर बॉडीज टू फाइट आउट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जिससे हम बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के योग्य बन पाते हैं। राइट किड्स, आगे बढ़ते हैं। इट इज क्विज टाइम, चलिए अब क्विज पढ़ते हैं। Answer the following questions. चलिए नीचे पर दिया हुआ question पढ़ते हैं और इसका answer write down करते हैं. Of the four systems of medicine, तो medicine के चार systems में से जो कि हैं आयुर्वेद, allopathy, यूनानी and सिद्ध, which system does not entirely depend on the medicinal properties of plants? तो इन चारों में से आयुर्वेद, allopathy, यूनानी और सिद्ध में से कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है या ऐसा सिस्टम है मेडिसिन का, जिसके अंदर वो कम्प्लीटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उसके अंदर कुछ केमिकल्स और कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज एलोपैथी। राइट किड्स, एलोपैथी की दवाइयां हमारे लिए एक इंस्टेंट असर दिखाने वालों में से साबित होती हैं। राइट किड्स, इससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेडेक है और अगर हेडेक को ट्रीट करने के लिए अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हो या अगर आप कोई भी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे बादाम खाकर अगर आप सोचते हैं कि आपका हेडेक ठीक होगा तो वो हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। बट अगर एलोपैथी से अगर आप कोई भी ऐसा पेन किलर या फिर कोई भी डिस्प्रिन या फिर कोई पैरासिटामोल खाते हैं तो उससे इंस्टेंटली आपको विद इन 5 मिनट्स to 10 मिनट्स आपको उसका आराम दिख जाएगा। तो ऐसे ही एलोपैथी काम करती है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिसिन सिस्टम्स। राइट किड्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मैच द मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स को मैच करना है डिजीजेस के साथ जिसके लिए वो यूज किए जाते हैं। राइट किड्स, यहाँ पर वो प्लांट्स गिवन है और यहाँ पर वो रेमेडीज है या फिर यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स दी गई है जिसको उन प्लांट्स की मदद से ट्रीट किया जाता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। पहला है भृंगराज। भृंगराज यूज किया जाता है हेयर लॉस कंट्रोल और बालों की व्हाइटनेस या ग्रेनेस को खत्म करने के लिए। सो विल मैच इट विद नंबर 3, हेयर लॉस। बी इज आंवला। आंवला खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी होता है और इसको स्कर्वी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ मैच करेंगे स्कर्वी के साथ। 2, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। तो हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सिनेमन से ठीक की जाती है। नेक्स्ट इज अब गोल। इज अब गोल भी एक तरीके का पाउडर या आप कह सकते हैं ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी मदद से हम अपना, दैट्स वेरी मच करेक्ट किड्स, इससे हम अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर पाते हैं। राइट किड्स, नेक्स्ट इज नीम। नीम एक मेडिसिनल प्लांट आप ऑलरेडी जानते हैं और ये स्किन डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लव यानी कि लौंग। लौंग इस्तेमाल किया जाता है टूथेक के लिए। अगर आपका कभी दांत में दर्द हो जाए तो आपको बस 2 पीस लौंग के लेकर अपने जहां पर पेन है वहां पर रखना है और उससे आपका जो टूथेक है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। सो विद दिस किड्स वी आर डन विद अनदर चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 6। We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.